नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुखदेव और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब। दोस्तों आज की जो वीडियो है वो एक ब्लॉग टाइप का होगा और रेल में अभी हूँ गाजियाबाद में और यहाँ से मैं जा रहा हूँ गाजियाबाद रेलवे स्टेशन क्योंकि वहाँ से मेरा ट्रेन है कोटा के लिए और कोटा में जा रहा हूँ NPCIL का एग्ज़ाम देने के लिए जो कि न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का होता है। और अपने वैसे किसी ने फॉर्म भरा तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें। और इसका जो फर्स्ट एग्ज़ाम होने जा रहा है 5 सितंबर को और 6 और 9 का भी होने वाला है। तो मेरा जो एग्ज़ाम है 5 सितंबर को होगा। तो मैं आपको वहाँ गाजियाबाद से जो मैं यहाँ से मैं गाजियाबाद से जा रहा हूँ कोटा के लिए और कोटा से मैंने सर्च करा कोटा रेलवे स्टेशन से आपका जो एग्ज़ाम सेंटर है राउत घाटा मैं अकॉर्डिंग मतलब कि 55 किलोमीटर से यानी कि 60 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है, तो मैं आपको पूरा एक्सपीरियंस बताऊंगा कैसे आपको कोटा से एग्जाम सेंटर में पहुंचेंगे। वहां से आपको कोटा से आपको बस मिल जाएगा राउत घाटा के लिए। तो ब्लॉग पर कंटिन्यू बने रहें, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी आपको वहाँ कोटा जंक्शन से आपको एग्ज़ाम सेंटर कैसे पहुँचना है। तो चलिए मैं अभी फिलहाल जा रहा हूँ गाजियाबाद स्टेशन। तो जैसे दोस्तों आप देख सकते हो मैं फिलहाल गाजियाबाद रेलवे स्टेशन आ चुका हूँ। यहाँ से मेरा जो ट्रेन 6:01 में ट्रेन दोस्तों ये रहा घोड़े वाले चौराहे जो कि आपको राजस्थान जो कि कोटा जंक्शन से आपको वहाँ से ऑटो मिल जाएगा और ऑटो का वाजिब किराया आपका 30 रुपये। ठीक है, 30 रुपये में आपको घोड़े वाले चौराहे पे आपको उतार देगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर दे सकते हो, इस जगह को याद रख लें। घोड़े वाले चौराहे से आपको यहाँ पर राउत घाटा के लिए बस मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको कोटा आना है, कोटा जंक्शन से आपको ऑटो पकड़ के आना है घोड़े वाले चौराहे पर। तो ये आपको घोड़े वाले चौराहे जिस तरह आपको यहाँ पर कुछ सीन भी देखने को मिल जाएगा, आपको याद रखने के लिए मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ आने के बाद आपको कुछ दूर जाने के बाद आपको बस मिल जाएगी। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रख लेना है, घोड़े वाले चौराहे जो कि कोटा जंक्शन से आपको ऑटो मिल जाएगा। बहुत सारे ऑटो वाले अलग अलग किराया मांगेगा लेकिन आपको नहीं देना है। कोई मांगेगा कि 150 रुपये में आपको वहाँ राउत घाटा तक पहुँचा देगा जबकि नहीं पहुँचाएगा, आपको यहीं आकर छोड़ देगा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखनी, यहाँ से 50 रुपये किराया 30 रुपये किराया घोड़े वाले चौराहे के लिए। ये जगह आपको याद रख लेना, इस तरह से यहाँ पर सीन है कुछ। और यहाँ से आपको राउत घाटा के लिए बस मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो बस खड़ी हुई है, तो ये बस स्टेशन है और यहाँ ये आपका जो है घोड़े वाले चौराहा इसका नाम है। और यहाँ से आपको राउत घाटा के लिए बस मिलेगा डायरेक्ट, कोटा से आपको कोई भी गाड़ी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रख लेना है, कोटा जंक्शन से आपको घोड़े वाले चौराहे आना है और यहाँ से आपको राउत घाटा के लिए बस मिल जाएगी। दोस्तों आपको घोड़े चौराहे से आपको आना है राउत घाटा और राउत घाटा से आपको वहाँ पर ऑटो वाले को बोलना है गेट नंबर 4। ठीक है, गेट नंबर 4 पर आप आओगे तो वहाँ पर आपको सिक्योरिटी वहाँ पर रहेगा, आप उनसे पूछिएगा कि स्कूल नंबर 4 कहाँ पर है, तो इस तरह से आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो उनसे मैंने पूछा कि स्कूल नंबर 4 कहाँ पर है अनुक्रेन कॉलोनी के, तो उन्होंने बताया कि इस रूट में आपको चले जाना है। तो चलिए मैं आपको इस रूट में बताता हूँ कि ये स्कूल 4 नंबर कहाँ पर है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कोटा जंक्शन से घोड़ा
घोड़े सर्कल घोड़े चौराहे पर आना है और वहाँ से आपको बस मिलेगा रावत भाटा के लिए। तो रावत भाटा बस से आपको वहाँ पर जब उतार देगा रावत भाटा में, तो वहाँ से आपको गेट नंबर 4 पर किसी भी ऑटो वालों को बोलिएगा तो गेट नंबर 4 पर आपको उतार देगा, ठीक है। गेट नंबर 4 पर आने के बाद आपको देखिए यहाँ पर उसने बताया कि एकदम सीधा चले जाना है, तो मैं अभी जा रहा हूँ सीधा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुदेव और आप मेरा चैनल अपने शॉप का। तो दोस्तों मैं फाइनली यहाँ पर पहुँच गया हूँ और जैसे कि आपको स्क्रीन शॉट में देखता हूँ, और सबसे पहले पूरी जर्नी के बारे में बात करूँगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कोटा जंक्शन आना है रेलवे स्टेशन, और वहाँ से आपको लाल घोड़े चौराहे जो कि लाल घोड़े सर्कल में आपको आना है, ठीक है, सॉरी घोड़े बाबा सर्कल पर आना है, यानी कि घोड़े बाबा चौराहे पर आना है जो कि आपको यहाँ पर स्क्रीन में देखने को मिलता होगा। तो वहाँ पर आने के बाद आपको क्या करना है, रावत भाटा के लिए आपको बस मिल जाएगी, ठीक है। तो आपको रावत भाटा में उतर जाना है, वहाँ से उतरने के बाद आपको ऑटो को बोलना है कि गेट नंबर 4 पर हमको जाना है, तो आपको गेट नंबर 4 पर उतार देगा जो कि इस तरह का आपको इमेज देखने को मिलता होगा। और उस इमेज में उस एड्रेस पर जैसे आप गेट नंबर 4 पर उतरोगे तो वहाँ पर आपको सिक्योरिटी मिलेगा, आप उनको पूछिएगा कि आपको स्कूल नंबर 4 पर जाना है, तो आपको पूरा एड्रेस आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। और उसके न्यूक्लियर जो कि NPCL का ही प्लांट के अंदर में ही इसका है, मतलब उसका कैंपस में ही उसका जो है स्कूल है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर जितने भी इसके स्कूल है 4 नंबर तक है, वो सभी इसके अंदर में ही है, ठीक है। तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सिंपली क्या करना है, रावत भाटा पर उतर के आपको गेट नंबर 4 पर ऑटो वाला को बोलेंगे तो आपको उसके गेट नंबर 4 पर उतार देंगे, वहाँ से सिक्योरिटी के पूछेंगे तो आपको स्कूल नंबर 4 का आपको एड्रेस बता दिया जाएगा, जो कि वहाँ से काफ़ी नज़दीक में ही, कोई दिक्कत नहीं। और गेट नंबर 4 पर उतरने के बाद आप अगर आप लॉज वगैरह या रहना चाहते हो तो सबसे बढ़िया आपको गेस्ट हाउस मिल जाएगा जो कि आपको स्क्रीन में देखने को मिलता होगा, और मैं अभी फ़िलहाल अभी इसी गेस्ट हाउस पर ठहरा हूँ, काफ़ी अच्छी है, 500 रुपये में आपको गेस्ट हाउस मिल जाएगा। और आप अगर पर्सनल रूम लेना चाहते हो तो 1000 रुपये लेंगे। तो मैं अभी फ़िलहाल गेस्ट हाउस लिया हूँ जो कि 500 रुपये का है, जिसमें आपको 3 बेड मिल जाएगा, यानी कि 3 आदमी इसमें रह सकते हो, ठीक है। कोविड के कारण अभी ज़्यादा पर्सन अलाउ नहीं कर रहे, आप अगर पर्सनल रूम लेना चाहते हो तो आपको 1000 रुपये के आसपास पड़ जाएंगे, लेकिन आप अगर लॉज गेस्ट हाउस में रहना चाहते हो इस लाइक 3 बेड रहेंगे आपको, तो उसमें 3% अलाउ करेंगे। तो फिलहाल मैं अभी अकेला हूँ, कोई भी यहाँ आया ही नहीं, ठीक है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, इसका गेस्ट हाउस काफ़ी अच्छी है साफ़ सफाई के लिए। और हाँ, एक चीज़ और है, आप अगर यहाँ से खाना ऑर्डर करते हो तो घर का बनाया हुआ खाना आपको पहुँच जाएगा, 60 रुपये में आपको लंच मिल जाएगा और 60 रुपये में आपको डिनर, मैंने फ़ोन करके अभी ऑर्डर करा दिया है, तो जैसे ही खाना आता है तो मैं उसका भी कुछ रिव्यू दे दूँगा कि खाना कैसे यहाँ पर देता है नहीं देता 60 रुपये में, ठीक है। तो मैंने ऑर्डर कर दिया है, फ़ोन करके भी बात करा मैंने, 60 रुपये में आपका लंच हो जाएगा और 60 रुपये में आपको डिनर मिल जाएगा। रूम काफ़ी अच्छी है, आप देख सकते हो काफ़ी बढ़िया साफ सुथरा है। तो चलिए मैं आपको इसका रूम टूर करवा देता हूँ, देख सकते हो काफ़ी शानदार रूम है, 500 रुपये में आई थिंक इससे बेटर कहीं मिल नहीं सकता, काफ़ी बढ़िया है। इधर और भी सारे रूम हैं, रूम के डेकोरेशन काफ़ी अच्छे, कूलर वगैरह भी बना हुआ है, आप देख सकते हो। और इधर इसका शौचालय है, बाथरूम है, यहाँ आप नहा सकते हो, ठीक है, देख सकते हो काफ़ी बढ़िया शावर वगैरह सारे चीज़ लगा हुआ है, देख सकते हो, ठीक है, इस तरह से काफ़ी शानदार रूम है, 500 रुपये में बढ़िया 24 घंटे के लिए आपको यहाँ पर ठहरने के लिए दिया जाएगा 500 रुपये में। और यहाँ आपका यहाँ फ्रंट भी है, ठीक है। तो आप अगर यहाँ पर रहना चाहते हो गेस्ट हाउस में, और जिसका भी पेपर 5 को है, 6 को है, 9 को है, तो दोस्तों अगर आपको इस जगह पर पहुँचने में कोई तरह से परेशानी होता होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करें, मैं तो आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा और कोशिश करूँगा आपको कैसे पहुँचना है सारी चीज़ आपको डिस्कस करें, आपको फ़ोन के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा। तो प्लीज़ अगर आप एग्जाम सेंटर आना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, मैं आपको पूरी हेल्प करूँगा। बस आज के लिए मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर हेल्पफुल लगी होगी, प्लीज़ वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें। और बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ।